हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या। तो हर बार की तरह हम लेके आ गए हैं फिर से केसी सिन्हा एक्सरसाइज का सलूशन। तो आज हम जानने वाले हैं एक्सरसाइज 19.1। 25 तक तो हम पिछले वीडियो में देख चुके थे, तो आज 25 के बाद का सलूशन देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हो सके तो अपने मित्रों को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आइए बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे अपने सोल्यूशन को। तो समझते हैं पीछे 26 नंबर क्वेश्चन में हमारा कहता है cosec x इंटू cosec x प्लस cot x, इसका हमको क्या निकला, इंटीग्रल x के सापेक्ष निकालना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा इसका सोल्यूशन होने वाला है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। cosec x को क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों से गुणा करेंगे। cosec x को cosec x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, cosec स्क्वायर x, फिर प्लस प्लस है तो प्लस होगा। cosec x को cot x से गुणा कीजिए तो क्या हो जाता है, cosec x इंटू cot x, इसका x के सापेक्ष इंटीग्रल। ठीक है, आप कर लीजिए, आप सभी को सेपरेट कर लीजिए अलग अलग। ये क्या है, cosec स्क्वायर x, इसको क्या करना है हमको, x के सापेक्ष इंटीग्रल निकालना है। उसके बाद हमारा बच रहा है cosec x माइनस cosec x इंटू cot x, इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रल x के सापेक्ष। cosec x इंटू cot x, इसका क्या करना है, x के सापेक्ष हमको इंटीग्रल निकालना है। तो आपको जो फार्मूला बताया था, उस फार्मूला उसमें से आप देख सकते हैं cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है माइनस cot x, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रल क्या होता है, इसका होता है माइनस cosec x प्लस c, कोई कांस्टेंट लास्ट में जोड़ लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस cot x और प्लस माइनस, माइनस cosec x प्लस c। अब यहाँ तक भी आप आंसर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर में क्या किया है कि माइनस कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा अंदर में, cot x प्लस cosec x प्लस c, यही हो गया हमारा आंसर, यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन था। तो दोस्तों आइए समझते हैं अब 27 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों बैकग्राउंड में मेरा 27 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से, पिछले क्वेश्चन के जस्ट सिमिलर है। तो उसके जैसे ही सब इसका सॉल्यूशन होने वाला है तो समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ये इसका सॉल्यूशन देखिए, बस उसी की तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किए थे उसी की तरह इसको गुना कर देना। sec x को sec x गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x होगा प्लस होगा। sec x को tan x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec x into tan x। ठीक है, इसका क्या करना है, अब x के सापेक्ष इंटीग्रल निकालना है। तो कर लेते हैं हम सभी को सेपरेट अलग अलग, sec स्क्वायर x का क्या करेंगे, इंटीग्रल x के सापेक्ष निकाल लेते हैं। और उसके बाद बच रहा है मेरा ये टर्म sec x प्लस, मतलब सॉरी sec x इंटू tan x, इसका क्या करना है हमको, x के सापेक्ष इंटीग्रल निकालना। तो याद कीजिए sec स्क्वायर x किसका, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, x के सापेक्ष tan x हो जाएगा, और प्लस sec x इंटू tan x इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष sec x हो जाएगा, और प्लस c लास्ट में हो जाएगा। बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, देखिए तीन लाइन में मेरा सोल्यूशन हो गया। तो आइए समझते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के सोल्यूशन को। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन रहा हमारा ये, 1 माइनस sin x बट्टा cos स्क्वायर x, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत ही हल्के से करेंगे, बहुत ही ईजी में करेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम, एक सभी को अलग अलग टर्म में आप ले आइए, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और माइनस देखिए साइन एक्स बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ऐसे तोड़ना बहुत ही ईजी है, इसको आप एलसीएम लीजिए तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इतना आएगा 1 माइनस साइन एक्स ऊपर में आ जाए। अब इसको कीजिए इसका फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस इसको हम लिख सकते हैं ऐसे साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स, कोई दिक्कत ऐसे लिखने में। तो यहाँ हम किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष इंटीग्रल निकालना है। तो आइए सेपरेट कर लेते हैं सभी को, इसको क्या करना है, sec स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष इंटीग्रल निकालना है, माइनस है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स क्या होता है हमारा, टेन एक्स होता है, और वन बाई सेक कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। इसका क्या करना है हमको, एक्स के सापेक्ष इंटीग्रल निकालना है। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स के सापेक्ष टेन एक्स होता है, और माइनस है तो माइनस दे दिया हमने, sec एक्स इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष क्या होता है हमारा, sec x होता है, और प्लस c लास्ट में कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। तो चलिए आइए, ये भी हो गया हमारा सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से, समझते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये बीच बीच में आ गया है मेरा बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसको क्या करना है, सीधे आप फॉर्मूला पे इसका निकाल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन निकालना है तो सीधे sec स्क्वायर x का इंटीग्रल x के सापेक्ष अलग अलग कर लिए, तो ये हो गया cosec
स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष होता है टेन एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष इंटीग्रल होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। बहुत ही ईजी था, दो टर्म में आंसर हो गया। आप चाहते तो एक टर्म में भी आंसर कर सकते हो। तो आइए समझते हैं तीस नंबर क्वेश्चन, आइए समझते हैं अब अपना लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, तीस नंबर क्वेश्चन। तीस नंबर क्वेश्चन हमारे कहते हैं साइन टू एक्स माइनस फोर ए टू दी पावर थ्री एक्स। तो इसका इंटीग्रल जो है हम सेपरेट करके अलग अलग करके निकाल सकते हैं। तो आइए इसका सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन में क्या करेंगे हम, साइन टू एक्स इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। फिर चार इसमें कॉन्स्टेंट है तो माइनस तो ले लिए हम, चार भी कॉन्स्टेंट को बाहर में ले लेते हैं, और e टू द पावर थ्री एक्स का इंटीग्रल क्या करना है, एक्स के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन टू एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस टू एक्स बट्टा, यहाँ एक्स का गुणांक दो था तो दो से भाग दे देंगे। ठीक है, और माइनस चार है तो चार रहने दिए, e टू द पावर थ्री एक्स, e टू द पावर एक्स का इंटीग्रल e टू द पावर एक्स होता है, तो पहले तो वो चीज़ लिख लीजिए आप। अब देखिए कि एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है हमारा तीन, तो तीन से भाग दे दीजिए, लास्ट में कोई कॉन्स्टेंट जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, माइनस कॉस टू एक्स बट्टा टू और माइनस चार बट्टा तीन e टू द पावर थ्री एक्स प्लस सी। तो यही हो गया हमारा सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स आज का सोल्यूशन आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।